अरे सुमित भैया, हम लोग तो दुकान में जा रहे थे ना, ये कहाँ कबाड़ खाने में लिया है खुद की तरह। अब सिंचैन गिफ्ट लेने आया हूँ ना यहाँ पर, फिर सुमित भैया कबाड़ खाने में कौन सा गिफ्ट मिलता है जो तुम यहाँ पर आए हो। अब सिंचैन अपनी औकात में रहे, ठीक है। अरे बड़े बेकार आदमी हो, क्या लोगे यहाँ से। हेलो भाई साहब, अंकल जी। ओ बोलो। अरे यार, मेरे को एक टीवी चाहिए था। अरे टीवी चाहिए तुमको? ये कोई दुकान है जो टीवी मिलेगा? अरे मतलब खराब टीवी जो यहाँ कूड़े में पड़ा हो, वैसा टीवी चाहिए। अरे हमको नहीं पता, खुद ढूंढ लो, बहुत बड़ा जंक यार्ड है हमारा। मिल जाए जब पेमेंट कर देना। और पौवा है क्या? अरे यार ये तो पियक्कड़ है। अरे सुमित भैया, यहाँ पर कौन सा टीवी लेने आए हो तुम? अबे सिंचैन, टीवी मैन का बर्थडे है। फिर टीवी मैन का बर्थडे है तो यार अपन टीवी तो लेके जाएंगे उसके बर्थडे के लिए। अरे सुमित भैया, फिर नया टीवी खरीदो ना। पागल है क्या? नया टीवी पता कितना महंगा आता है? अपने घर में भी नहीं लगेगा, इतना महंगा आता है। अरे सुमित भैया, तुमने इतने महंगे कपड़े तो खरीद लिए। ओ चांदनी चौर बाजार से लेके आया हूँ, 100 रुपए का एक है ये, ठीक है। सुमित भैया यार, दिखने में तो ब्रांडेड लग रहे हैं। ब्रांडेड ब्रांडेड नहीं है ये, बस वैसे काम चला हुआ है। और तेरे को पता है ये जैकेट देख रहे मेरे पापा की है। अरे सुमित भैया, पापा की मतलब अबे मेरे पापा के ब्याह की। अरे सुमित भैया, सिमी बड़े गंदे हो यार तुम तो। हम बे यार ऐसे बात कर रहा है, मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद के लिए नए कपड़े होते ले नहीं खरीद लेता। अरे सुमित भैया, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, गिफ्ट ढूंढो, उसके लिए जल्दी से जाना है बर्थडे पार्टी में। हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। तो गाइस यार, आज बर्थडे है टीवी मैन को, तो गाइस यार उसके बर्थडे के गिफ्ट के लिए मैं यहाँ पर एक टीवी ढूंढने आया हूँ। कोई टीवी दिखाई दे रही है क्या? सुमित भैया तुम्हारे साइड में रखी है। कहाँ पर साइड में? अरे सुमित भैया तो दूसरी वाली साइड में। ओ गाइस यार, ये एकदम सही रहेगा, इसको बाहर निकालता हूँ, एक सेकंड रुक मैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने टीवी निकाल लिया, देख रहे हो कितनी मस्त है। सुमित भैया इसमें तो बोल लगी हुई है, टूटी हुई है ये तो। अबे सिंचैन यार, अच्छी टीवी तो हर कोई देता है ना, पाए एकदम एंटीक पीस देंगे टूटी हुई टीवी। अरे सुमित भैया, सुमित तुम्हारा दिमाग तो गोबर है। अरे मेरे को लगा मेरी तारीफ करेगा तू। अरे सुमित भैया, टूटी हुई टीवी कौन देता है? तू ज्यादा ना दिमाग मत लगा, चल गाड़ी लेके आ जल्दी से और पटक इसको गाड़ी के अंदर। ओके तो चलो गाइस, ये टीवी हमने रख लिया, जल्दी बैठ गाड़ी के अंदर। अरे सुमित भैया, सुमित उन लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग कूड़े में से उठा के लाए हो इसको। होय होय सिंचैन, ऐसा मत बोलो यार, बेइज्जती हो जाएगी फालतू की। तो चलो गाइस, गिफ्ट यहां पर हमें मिल चुका है टीवी मैन के लिए, उसके बर्थडे के लिए। तो लेट्स गो गाइस, चलते पार्टी के अंदर और बहुत सारे समोसे खाएंगे। तो चलो गाइस, फाइनली तुम्हारा भाई आज का स्टार के घर पर। अरे सुमित भैया, यहां पर क्यों गाड़ी पार्क कर रहे हो? अबे मैं नहीं चाहता मेरा तोहफा कोई देखे, इसलिए यहां पर लगा रहा हूं। अंदर ले जाऊंगा तो डायरेक्ट, यार क्या पता पहले दूसरों को देखो क्या तोहफा दे रहे हैं। अरे सुमित भैया, यहां मत लगाओ, फिर यहां से पैदल चल के जाना होगा। हां बात तो सही कह रहा है, एक काम करता हूं गाइस, यार मैं थोड़ा यहां से ऊपर चढ़ाता हूं गाड़ी। अरे सुमित भैया, गाड़ी चलानी भी नहीं आती तुम्हें। अब सिंचन चुप रहे गाइस, यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाली डेकोरेशन कर रखी है। देखो तो यार लोगों ने क्या क्या तोहफा दिया, मैं अपना तोहफा लास्ट में दिखाऊंगा। ओके तो चलो गाइस यार, यहां पर कहीं और पास लेके जाता हूं। एक सेकंड, अरे ये क्या है यहाँ पर? एक सेकंड, यहाँ गाड़ी रोकते हैं यार, ये जगह से रहेगी। अरे सुमित भैया, ये तो कोई मरा पड़ा है। कौन मरा पड़ा है? एक सेकंड देखने दे जाकर। ओ गाइस, ओए ओ ये क्या? अब ये तो टीवी मैन है सिंचैन। अरे सुमित भैया, ये किसने किया? पता नहीं गाइस यार, यहाँ पर किसी ने टीवी मैन को मार के पटक रखा है। गाइस यार, आज टीवी मैन का बर्थडे है और ये किसने किया होगा? सुमित भैया, सभी लोगों को बुलाओ जल्दी से, ये किसने किया है? अवेंजर्स, सभी के सभी लोग यहाँ पर आओ। अवेंजर्स जबीस, जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हैं सारे के सारे यहाँ पर आओ जल्दी से। अरे सुमित, आखिर क्या हुआ और यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? अरे यार यहाँ पर आओ जल्दी से, देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, रुको मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। अरे ये क्या सुमित, ये तो टीवी मैन है। हाँ वही, ये क्या हो गया इसको? किसी ने इसको मार के वहाँ झाड़ियों में पटक रखा था, देखो वहाँ पर खून भी है। अरे ये क्या, हमारे बर्थडे बॉय का ये किसने हाल कर दिया? टीवी मैन को ये किसने मार डाला? अबे तुम लोग बस इतने ही हो क्या? हाँ हम लोग बस इतने ही हैं, बाकी एवेंजर्स कहाँ हैं? हम 4 ही एवेंजर्स है, बाकी एवेंजर्स बाहर गए हुए कोई काम से। हर कोई पार्टी भी तो नहीं कर सकता, दुनिया को भी तो बचाना होता है। और कोई नहीं है तुम्हारे साथ? हाँ एक बंदा और है। अरे मल्टीपल टीवी मैन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। हाँ मैं भी आया, रुको क्या हो गया? अरे लगता है तुम्हारे छोटे भाई को किसी ने मार डाला। क्या मेरे छोटे भाई को मार डाला? किसने किया ये? मैं उसे छोटूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे मेरे छोटे भाई। अरे मल्टीपल टीवी मैन के बड़े भाई, चुप हो जा प्लीज, चुप हो जा, हम लोग भी रोने लगेंगे अगर तू रोएगा तो। मेरे छोटे भाई को मार डाला, किसने मारा मेरे छोटे भाई को? आज उसका बर्थडे था, मैंने उसके लिए तोहफा लिया था,
यार तोहफा तो हम सभी लेके आए थे। हाँ, हम सब लोग तोहफा लेके आए थे, इसके लिए आके किसने इसको मारा होगा। यार गाइस कौन इतना गंदा हो सकता है यार, जिसने यार किसी के बर्थडे वाले दिन किसी को मारा होगा। यार आरटीवी मैन का बर्थडे था और उसके बर्थडे वाले दिन उसको मारा है। पाइडी तू क्या कर रहा था बता? आइला, मैंने नहीं मारा किसी को, मैं तो इनके साथ था। थोर से पूछ लो। ओडिन पुत्र थोर के साथ था ये स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ने किसी को नहीं मारा। अच्छा फिर तू कहाँ था थोर? अरे मैं तो काम कर रहा था। क्या काम? अरे मुझे क्या पता, याद थोड़ी रहेगा मेरे को। मेरे को लगता है थोर ने मारा है। अरे सुमित भैया क्या पता टोनी ने मारा हो। हाँ टोनी तूने मारा है ना। अरे पागल हो क्या, मैं क्यों मारूंगा, मैंने तो इतनी सजावट की उसके लिए। या फिर हल्क ने गुस्से में आके मार दिया होगा, क्योंकि क्या पता हल्क इससे जलता हो, क्योंकि हल्क का बर्थडे नहीं है आज और इसका बर्थडे है। हल्क को गुस्सा आता, पर हल्क इतना भी पागल नहीं होता कि किसी के बर्थडे वाले दिन किसी को मार दे। और टीवी मैन हल्क का अच्छा दोस्त होता, हल्क ने टीवी मैन को नहीं मारा। ओ, रुको 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 यार, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे हम पता लगा सके आखिर टीवी मैन को किसने मारा है। अरे सुमित एक तरीका है। क्या तरीका है बता मेरे को? मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और पास्ट में जाके हम लोग पता लगाएंगे आखिर किसने मारा है इसको। वो भाई बिल्कुल सही बोल रहा है तू। रहने दो, मेरा छोटा भाई मर गया, अब रहने दो, मुझे बस इसका अंतिम संस्कार करने दो। नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल टीवी मैन के बड़े भाई, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले गुनहगार को हम लोग जब तक नहीं पकड़ लेते, टीवी मैन की बॉडी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चलो सभी एवेंजर्स, सिंचन चलो हमें उस मशीन के पास ले चल टोनी, उससे पता लगाएंगे आखिर किसने मारा है टीवी मैन को। सभी लोग यहाँ पर आ गए ना? अरे सुमित भैया आ गए। ओके, अरे वो कहाँ है? मल्टीपल टीवी मैन कहाँ है? टीवी मैन का बड़ा भाई ओडिन पुत्र थोर बताएगा। असल में यार उसका भाई मरा है। तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ सॉरी सॉरी यार, मैं भी गलत हो गया। आइला यार उसका छोटा भाई मरा है यार, उसको रहने दो यार अपने छोटे भाई के साथ। हाँ ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो चलो गाइस यार बताया टोनी क्या है ये मशीन। तो मेरी बात सुनो, ये जो टीवी दिख रहा है इतना बड़ा सारा, इसके अंदर हर किसी का पास्ट चलेगा और हम लोग यहाँ से खड़े होके उसे देखेंगे, देखते कि आज सभी लोग क्या कर रहे थे। ओके ओके चल जल्दी से स्टार्ट कर। सबसे पहले जो भी आदमी का टाइम ट्रेवल हम देखने वाले हैं पास्ट वाला, तो सबसे पहले वो आ जाए इस कैबिन के अंदर। आइला चलो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है ना, मेरे को साफ पता है, मैं इसके अंदर जाना है टोनी सर। हाँ स्पाइडरमैन उसके अंदर जाओ। अरे क्या कर रहे हो, टक्का क्यों मार? अरे सॉरी सॉरी, लो हो गया, यहीं पर खड़ा हो ना। हाँ यहीं पर खड़े हो जाओ बस। चलो अब मैं मशीन स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ। 1 2 3 बूम। आइला आज टीवी मैन का बर्थडे, मेरे को उसको क्या देना चाहिए गिफ्ट के अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी कहती है अगर कुछ समझ ना आए तो गटर के अंदर घूमो। अरे यार स्पाइडर तो सही में अजीब आदमी है। हाँ समित भैया किसी का दिमाग ना चले तो गटर के अंदर कौन घूमता है, पता नहीं। अरे कैसा पागल है, चलो देखते क्या कर रहा है। और आइला क्या दूं यार उसको गिफ्ट में, क्योंकि यार मेरे को जब भी PS5 खेलना होता है ना तो टीवी मैन के अंदर खेलता हूँ मैं। प्लीज यार मेरे को कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो मैं अपने दोस्त को दे सकूं, जिससे वो मेरे को हमेशा कार्टून देखने दे अपनी टीवी के अंदर। आइला मैं क्या दूं उसको, क्या दूं, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, क्योंकि मम्मी पॉकेट मनी भी नहीं देती मेरे को। मैं क्या दूं उसको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आइला मैं काम करता हूं, मैं उससे जाके ये पूछ लेता हूं कि उसका फेवरेट केक कौन सा है या फिर उसे खाने में क्या पसंद है। हाँ उस चीज को मैं खरीद के ले आऊंगा और उसके लिए मजा आएगा। चलो चलो उसके घर चलते हैं जल्दी सी। आइला चलो यार मैं आ तो गया इनके घर पर, बड़ा अजीब सा लग रहा है, जिसका बर्थडे मैं उससे पूछने जा रहा हूँ कि उसे क्या पसंद है खाने में। यार अजीब तो नहीं लगूंगा ना? आइला यार मैं उसको बोल दूंगा, किसी को बताए ना। ओए वो कहाँ पर है? और टीवी मैन ओए। आइला मैं तेरा दोस्त आया हूँ स्पाइडरमैन। आइला ये रहा। आइला क्या गाड़ी है रे तेरे पास टीवी मैन, कहाँ से आई तेरे पास ये गाड़ी? कैसे हो स्पाइडरमैन? आइला मैं बढ़िया। अरे यार मेरे को एक क्वेश्चन था तेरे से। पूछो। आइला अरे यार सबसे बड़े पहले तो हैप्पी बर्थडे। अरे यार मैं भी पागल हूँ, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला तेरे को। शुक्रिया तुम्हारा। आइला मैं ये पूछना चाहता था यार कि तुम्हें यार कौन सा फ्लेवर का केक पसंद है या क्या खाने में क्या पसंद है तुम्हें यार, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। और हाँ किसी को बताना मत कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछने आया हूँ तुम्हें क्या खाने में पसंद है, वरना लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे दोस्तों, मैं किसी को क्यों बताऊंगा। आइला बताना तेरे क्या खाने में पसंद है। अगर तुम मेरे लिए केक लाना चाहते हो तो मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बहुत ज्यादा पसंद है। आइला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? हाँ। आइला उसके अलावा और क्या पसंद है? और मेरे को KFC का चिकन भी बहुत ज्यादा पसंद है।
आयला शुक्रिया यार शुक्रिया। ओह गाइस यार यहाँ पर स्पाइडरमैन ने गन निकाल लिए, भाई कितनी खतरनाक लग रही है। समित भैया मुझे लगता है इस गन से मारने वाला है ये इसको टीवी मैन को, क्योंकि इसने बहुत गलत जवाब दिया है इसको। ये क्या है स्पाइडरमैन? आयला अरे अरे इससे डरो मत यार, ये तो खतरनाक चीज है, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए लेके आया हूँ, तुम बस देखना कितनी खतरनाक है। ये देखो इससे पटाखे फूटते हैं और रात को जब हम लोग फोड़ेंगे तो कितना मजा आएगा। और नहीं फोड़ूंगा यार, कम है ना पैसे की कमी है। बहुत ज्यादा मस्त है सही में। आयला चल मैं चलता हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं शाम को। आयला चलो मेरे को जवाब मिल गया। ओ गाइस यार हम लोग तो गलत समझ रहे थे यार, वो तो असल में एक पार्टी का पॉपर था यार, जिससे यार रॉकेट वाले पटाखे फटते हैं। समित भैया वो मेरे लिए भी लेके आओ ना। अबे पागल उसका क्या करेगा। तो चलो गाइस यार यहाँ पर हमें पता लग गया कि यार स्पाइडरमैन ने कुछ भी नहीं किया। आयला मैंने बोला ही था कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। हाँ चल जा स्पाइडरमैन साइड में खड़ा हो जा। आयला चलो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पर। अब ओडिन पुत्र थोर की बारी। हाँ थोर जा जल्दी से उसके अंदर खड़ा हो। अरे थोर तुम जल्दी जाओ ना, ओडिन पुत्र जा रहा है, रुको तो 2 मिनट। लो मैं इसके अंदर आके खड़ा हो गया। अब मेरे मुंह पे कुछ लिख रहा है क्या? हाँ लिख तो रहा है पागल एक नंबर का। अरे यार बकवास मत कर यार, जल्दी देखिए क्या कर रहा था, देखे पता लगे यार कि कौन मर्डरर। जल्दी स्टार्ट कर मशीन को। हाँ लो अभी करता हूँ स्टार्ट। ओडिन पुत्र थोर आज ये पता लगा ही लेगा कि आखिर यहाँ पर कौन ज्यादा ताकतवर है, तुम या मैं। ओडिन पुत्र थोर किसी से नहीं डरता। हल्क भी तेरे को छोड़ेगा नहीं, इतनी खतरनाक फाइट करेंगे कि पूरा तबाह कर देंगे सब कुछ। हाँ इतनी खतरनाक वाली फाइट करेगा ओडिन पुत्र थोर। अरे आज लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों डर गए क्या मुझसे? हल किसी से डरता नहीं है, पर आज असल में टीवी मैन का बर्थडे है तो हमें तबाही नहीं मचानी है थोर। क्या ओडिन पुत्र थोर को तो ये पता ही नहीं था कि आज टीवी मैन का बर्थडे है। थोर मुझे तुम ये बताओ कि हल्क को क्या गिफ्ट देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो, ओडिन पुत्र थोर को खुद नहीं पता कि क्या तोहफा देना है। मैं जा रहा हूँ तोहफा लेने, मिलते हैं बाद में। हल्क को तो बता दो कि क्या लेना है। ओडिन पुत्र थोर को खुद नहीं पता, जल्दी जाके कोई तोहफा ढूंढना होगा। ओडिन पुत्र थोर को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या देना चाहिए तोहफे में, मन तो करता है बर्थडे को ही मार दूं। ओ गाइस यार यहाँ पर थोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार उसे कोई तोहफा नहीं मिल रहा, क्या पता यार इसी गुस्से में मार डाले वाले वो टीवी मैन को। अरे मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, इसमें गलती मेरी है अगर मुझे तोहफा नहीं मिल रहा है। अरे काम करता हूँ, जाकर अपने दुनिया में देखता हूँ एस्गार्ड। मैं आ रहा हूँ, ओडिन आ रहा है। ओडिन पुत्र आ चुका है, कहाँ पर है? पापा मम्मी अरे सारे लोग कहाँ चले गए? ओडिन पुत्र थोर आ चुका है। अरे मिस स्वरीना कैसी हो तुम? मिस स्वरीना मेरे पापा मेरे मम्मी कहाँ पर है? क्यों मेरे पापा मेरे मम्मी को लेके बाहर गए हुए हैं? बहुत बुरा हुआ ओडिन पुत्र थोर के लिए। सोरीना मेरे दोस्त का जन्मदिन है, बताओ मुझे क्या देना चाहिए उसे तोहफे में। सोरीना तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ओडिन पुत्र थोर का तुमने काम बना दिया। अब मैं जाकर मेरे दोस्त को अपने शाही खजाने में से कुछ तोहफा दूंगा। ये रहा एस्गार्ड का शाही खजाना, ओडिन पुत्र थोर इसमें से थोड़ा बहुत लेके जाएगा अपने दोस्त के लिए। अरे समित भैया ये कौन सी जगह है, जल्दी चलो बाद में देखेंगे सब कुछ, यहाँ पर तो जाके चोरी करनी पड़ेगी। अबे भाई सब ये कौन सी जगह है, कितना सारा डायमंड है यहाँ पर भाई, चोरी करनी पड़ेगी ऐसी तैसी। भाई क्या कितना शाही खजाना भाई सही ओडिन के पास तो। ओह माय गॉड एस्गार्ड तो सही यार सोने की क्या हीरे की मुर्गी है। अरे समित तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ पर हम लोग उसका पास्ट देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा था और तुम यहाँ पर चोरी की बात कर रहे हो, चोर कहीं के। अरे सॉरी। ओडिन पुत्र थोर इसमें से थोड़ा बहुत हीरा लेके अपने दोस्त को देगा, चलो लेके चलता हूँ। ओडिन पुत्र थोर बेकसूर है, मैंने कुछ नहीं किया और हल्क कहाँ चला गया, हमारी लड़ाई बाकी है। तो गाइस यार यहाँ पर हमें पता चल चुका है जो हमारा ओडिन पुत्र मतलब थोर है यार, ये कैसे बोलता है, एक तो थोर ने कुछ भी नहीं किया है, वो बेकसूर है क्योंकि वो तो अपने दोस्त के लिए सिर्फ तोहफा लेने गया था। भाई खजाना तगड़ा है, मेरे को बुलाइयो कभी। हल कहाँ गया है? हल को लग गई टट्टी, बेकार समोसे खा लिए थे उसने, अब वो गया टट्टी होने। उसे बुलाओ उसका भी तो टेस्ट होगा। हाँ हल्क अब कहाँ मर गया, जल्दी आए यहाँ पर, कितना लेट करवाएगा। हल्क आ चुका है, हल्क को क्या हो,
हल्क किसी से नहीं डरता, हल्क सिर्फ टट्टी से डरता। अबे कहाँ गया था, चल जल्दी से, तेरा बारी आ चुका है। अब हल्क की बारी है, पर हल्क ने कभी भी कुछ नहीं किया। हल्क अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाएगा, पर तुम लोग कहते तो हल्क अपना पास्ट तुम्हें दिखाएगा कि हल्क क्या कर रहा था। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर हल्क क्या कर रहा था उस वक्त। चलो टाइम शुरू करते हैं पास्ट का। थोर थोर, हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा। थोर तो यहाँ से चला गया, अब हल्क को कौन बताएगा कि आखिर मुझे क्या तोहफा लेना चाहिए टीवी मैन के लिए। हल्क को कोई कुछ तो बताओ, हल्क को समझ नहीं आ रहा क्या करे। हल्क हल्क को बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ रहा है। तोहफा ढूंढना कितना मेहनत का काम है, हल्क सब कुछ तोड़ेगा, हल्क फोड़ेगा, बड्डे बॉय को मारेगा। ओ गाइस यार, यहाँ पर हल्क को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार हल्क को अभी तक पता ही नहीं चला कि उसको तोहफा क्या देना। मेरे को लगता है इस गुस्से में हल्क जाके टीवी मैन की धुलाई लगाने वाला है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कुछ और ही कलेश होने वाला है। गाइस यार देखते रहो कि आखिर हल्क क्या करने वाला है। हल्क की बुद्धि खराब हो रही है, हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हल्क को क्या देना चाहिए। हल्क को गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। अरे ये क्या, ये तो स्पाइडरमैन है, आखिर स्पाइडरमैन यहाँ क्या कर रहा है। स्पाइडरमैन हल्क की मदद करो स्पाइडरमैन। अरे हरे पकोड़े, तू क्या कर रहे है? हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा टीवी मैन को बर्थडे पे क्या दे। आइला यार मेरे को क्या पता क्या देना है। हल्क तुमसे पूछता कि तुम क्या दे रहे हो। आइला इसको बताऊंगा तो ये मेरा चुपचाप बताओ क्या देने वाले हो तुम तोहफे में। आइला मारियो मत भाई, बता रहा हूँ मैं असल में उसको एक केक और बहुत सारे आइला, और मैं उसके लिए चिकन लेके जा रहा हूँ। उसको वैसे केएफसी का पसंद है, पर यार केएफसी के लिए पैसे नहीं, इसलिए इस भाई टकले भैया से ले रहा हूँ चिकन। क्या पता चले उसको केएफसी का या कौन सा चिकन है। हल्क चाहता है कि तुम सिर्फ उसे केक गिफ्ट करो और चिकन हल्क देगा उसे। आइला वो मेरा है, मेरा बर्थडे का आइडिया है ना, मैं तो क्यों दूं तेरे को। हल्क को मना करता है, हल्क को मना ना सुनना पसंद नहीं है। हल्क तुझे मारेगा, ये ले, हल्क तुझे मारेगा, हल्क तुझे और मारेगा, तू हल्क को मना करेगा। आइला अरे सॉरी हल्क मत मार भाई प्लीज। हाँ ठीक है, एक काम कर, मैं सिर्फ उसको केक दे दूंगा, तू उसको केएफसी का चिकन दे, प्लीज मत मार भाई मेरे को। हा हा हा, हल्क को तोहफा मिल गया, हल्क उसको चिकन देगा, हल्क उसको चिकन देगा। हा हा हा, ओए टकले जल्दी से चिकन बना दे, हल्क चिकन देगा गिफ्ट में। हल्क ने जैसा बोला कि हल्क ने कुछ भी नहीं किया, हल्क बेकसूर है। आइला घंटे का बेकसूर, इतना तो मेरे को मारा और मेरा तोहफा उसको देने वाला था ये। स्पाइडरमैन हल्क तुझे और मारेगा, तूने जो चिकन मंगाया वो एकदम घटिया क्वालिटी का है, उसे खाकर हल्क को टट्टी लग गई। ओडिन पुत्र थोर ने सही है वो नहीं खाया तो। ओ गाइस यार, यहाँ पर भाई जो चिकन स्पाइडरमैन लेके आ रहा था ना भाई बर्थडे पार्टी, वो असल में एकदम घटिया चिकन था, वो तो सही हमने नहीं खाया। आइला यार मेरे पास पैसे नहीं थे, केएफसी का चिकन कहाँ से लाते, इसलिए वो घटिया क्वालिटी का लेके आ रहा था। हल्क को तुम मारना चाहते थे, हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे ठीक है लड़ाई मत करो। तो गाइस यार यहाँ पर जो हल्क ने भी कोई भी किसी को नहीं मारा, हल्क भी बेकसूर है। अरे इसमें तुम जाओ, अरे अपा तो घंटा जाए, अपा को तो पता भी नहीं था उसका बर्थडे, अपा को बाद में पता चला, अपा दोनों तो यहाँ पर थे भी नहीं। एक बात बताऊं तो बचा है सिर्फ लास्ट में टोनी। अरे मुझसे पहले तुम जाओ, क्या पता तुमने ही मारा हो उसको, जाओ तुम दोनों। भाई अगर तुझे यकीन नहीं है तो हम दिखा देते हैं तेरे को जाके, रुक अभी जाता हूँ मैं जल्दी से मशीन के अंदर, चल जल्दी से मशीन स्टार्ट कर। मैंने क्या बोला था भाई, मैं बेकसूर हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम कबाड़े में से एक टीवी उठा के लाए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो तो मैं क्या बोलूं, मैं ओडिन पुत्र थोर को सुमित को ऊपर शर्म आती। अरे सुमित बेकार वाली ना बेइज्जती। हल्क भी बोलता सुमित बहुत खराब है। आइला ये तो मुझसे बड़ा भिखारी है तेरी ऐसे सी। अरे यार ऐसे मत करो यार, मेरे पास पैसे नहीं थे तो यार मैंने काम चलाया यार, हमारा तो हो गया कि हम लोग कहाँ पढ़ते। पर टोनी तू कहाँ था, चल जा तेरा टेस्ट होगा अब। अरे ठीक है तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो ना तो मशीन स्टार्ट कर देना, सिर्फ मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। चलो स्टार्ट करो मशीन और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके तो गाइस यार ये कहाँ जा रहा है टोनी। अरे मैं मेरी कहानी मैं खुद ही बता देता हूँ, बस तुम देखते रहना। ओके तो चलो गाइस ये कहाँ पर आ गया। ओ ये तो असल में बैनी के शोरूम पर आ गया। अरे बैनी के शोरूम पर क्या करने आया ये। अरे कैसे हो बैनी, मस्त हो ना। अरे टोनी स्टार्क सर कैसे हो, बढ़िया मैं बताओ आप कैसे हो। हाँ मैं भी बढ़िया हूँ यार, मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है तो मुझे उसे गिफ्ट में कुछ ऐसा देना है जो किसी को जो कोई ना दे सके, मतलब गाड़ियाँ,
मेरे पास अंधा पैसा है, तो बताओ तुम्हारे पास कैसी कैसी गाड़ी है। अरे सर देखिए देखिए, सबसे पहली वाली क्या तूफानी गाड़ी है। रुको देखता हूँ। अरे ये क्या कोई गाड़ी है, ये तो ऐसा लगता है जैसे लोहे के ऊपर लोहा चढ़ा दियो, कबाड़ा है ये तो। मेरे को ऐसी गाड़ी नहीं, कुछ अच्छी दिखाओ अच्छी। अगली देखिए सर, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। अच्छा अरे ये क्या हरी टट्टी, अरे ये क्या वॉर मशीन है क्या। अबे मेरे को कोई जंग में नहीं भेजना मेरे दोस्त को, कुछ अच्छा दिखाओ, लग्जरी दिखाओ लग्जरी। अरे सर क्या प्रॉब्लम, आगे देखिए आप। अरे यार ये क्या कबाड़ा है, मैं उसको कोई पिकअप ट्रक दूंगा, उसको कोई काम ढोना है क्या। और ये क्या है, ये क्या कबाड़े में से उठा के लाया इस गाड़ी को, कितनी घटिया है। और ये क्या, ये पदपिद्दी सी गाड़ी, उसमें वो फिट ही नहीं आएगा, एकदम घटिया है। अरे ये है ना गाड़ी, माशाल्लाह क्या गाड़ी है, इधर आओ टकले। हाँ बोलिए सर। अरे नीचे इधर गाड़ी से। हाँ सर बोलिए बोलिए। ये गाड़ी चाहिए मुझे, ये गाड़ी पैक कर दो जल्दी सी, रैप कर दो मेरे दोस्त के लिए। अरे सर ये किसी और ने खरीद रखी है। क्या किसी और ने खरीद रखी है, जितना दाम उसने दिया है ना उसका तुम्हें 10 गुना ज़्यादा दूंगा, ये गाड़ी मेरी होनी चाहिए। अरे ठीक है सर ठीक है, आपके डिलीवरी हो जाएगी, डोंट वरी सर, आप जाइए बेफिक्र होके। हाँ तो घर पर पहुंचा देना, एड्रेस तो पता ही है तुमको। तो चलो हो गया गिफ्ट रेडी। तो गाइस यार यहाँ पर भाई टोनी तो गया हुआ था गाड़ी खरीदने के लिए बर्थडे के लिए। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, टोनी है बहुत ज्यादा मीरसाइमी। मैंने बोला ही था मैंने कुछ नहीं किया। अरे समित भैया इनसे सीख लो कुछ, पैसा इस्तेमाल करना सीखो, थोड़ा बहुत थकी रहो एकदम। ओह चलो गाइस यार मशीन बंद होगी, सही यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही टोनी ने उसको मारा, ना ही हल्क ने, ना ही थोर ने, ना ही स्पाइडरमैन ने, और हम दोनों ने भी नहीं मारा क्योंकि हम तो अपना काम करने गए थे। हाँ समित भैया बहुत बड़ा काम करने गए थे, चोर लुटेरे 2 रुपए खर्च करके खुश नहीं हो तुम, एकदम भिखारी आदमी। अरे ठीक है सिंचन वो तो अलग बात है, पर गाइस यार आखिर किसने मारा होगा भाई। एक सेकंड, अबे मल्टी टीवी मैन कहाँ है उसका बड़ा भाई। अरे समित भैया कैसी बात कर रहे हो, कोई भाई अपने भाई को थोड़ी मारेगा। उसको बुला के लाओ, उसका भी टेस्ट लेंगे हम लोग, क्या पता उसने मारा हो। मेरा छोटा भाई। ओए बात सुन मेरी, खड़ा हो, बहुत देर हो लिया रोते रोते। क्या हो गया सुमित। मेरी बात सुन, चुपचाप जाकर उस मशीन के अंदर खड़ा हो जाओ। क्या कह रहे हो तुम, मैंने मेरे भाई को मारा है, कैसी बात कर रहे हो तुम। नहीं मारा होगा ठीक है, पर हमें शक है तेरे ऊपर, जा वहाँ खड़ा हो जा। सुमित तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम एक बड़े भाई के ऊपर इंजाम लगा रहे हो। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर ये खड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, चल जाके वहाँ खड़ा हो। ओके चल टोनी स्टार्क, जल्दी से मशीन स्टार्ट कर और देखते कि ये क्या कर रहा था उस वक्त जब उसकी मृत्यु हुई। चल जल्दी स्टार्ट कर मशीन को। हाँ हाँ अभी करता हूँ। कौन आया है। ओ गाइस यार ये लगता है मेरे को वो वक्त का सीन है जब स्पाइडरमैन आया था टीवी मैन के पास, तो यार ये मल्टीपल टीवी मैन असल में घर पर ही था, मतलब इसका बड़ा भाई। ओए मेरे छोटे भाई कौन आया था। भैया असल में वो आया था स्पाइडरमैन। क्यों आया था वो यहाँ पर। भैया भूल गए क्या, आज मेरा बर्थडे है ना, तो वो उसके लिए मुझसे तोहफे के पूछने आया था कि मुझे क्या पसंद है। ओहो मैं तो भूल गया था, आज तो मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, मतलब तू जो भी तोहफा लेगा मेरे को भी देगा ना। भैया ऐसा क्यों, तोहफा तो मेरा होगा ना, बर्थडे मेरा है तो तोहफे भी मेरे। क्या तोहफा तुम क्यों लोगे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, जो तुम्हें मिलेगा वो मेरा भी होगा। भैया मैं तो आपको नहीं दूंगा कोई भी तोहफा मेरा, ध्यान रखना ठीक है ना, मैं आपको मेरा तोहफा बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसी बात है, मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से भैया, आपको किसी ने बुलाया भी नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है, तेरे को मैं भी बताता हूँ। ये तेरी ऐसी, ये मेरे को उल्टा जवाब देता है अपने बड़े भाई को, ये ले। ओ गाइस ये क्या, गाइस यार यहाँ पर तो हथौड़े से मल्टी टीवी मैन ने, मतलब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला। ओ माय गॉड गाइस यार ये तो सही बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया यहाँ पर। अरे ये क्या कर दिया मैंने गुस्से में, मैंने तो इसको मार डाला, मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा, किसी को पता चलेगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसको अभी गाड़ी के अंदर डालता हूँ। चलो मैंने इसको गाड़ी में डाल लिया, जल्दी से इसको ठिकाने लगाता हूँ, मुझे पता है कि आखिर इसको कैसे ठिकाने लगाने की, किसी को मेरे ऊपर शक भी ना हो। गाइस यार ये तो अपने छोटे भाई को लेके यहाँ पर आ गया स्टार्क के घर पर, जहाँ पर इसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, पर गाइस ये इसको यहाँ पर क्यों
लेके आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे तो पता भी नहीं चला ये कद गर्म में यहाँ पर लेके आया है। इसको मैं यहीं फेंक देता हूँ जिससे किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। ये वाली झीगा एकदम सही है, जल्दी इसकी डेड बॉडी को बाहर निकालता हूँ। चलो मैंने इसको यहाँ फेंक दिया, चलो यहाँ से जल्दी से चलता हूँ। जल्दी यहाँ से निकलो इससे पहले कोई मुझे देख ले, और इस गाड़ी को मैं यहाँ फेंक जाता हूँ पीछे की तरफ की किसी को पता भी ना चले, समुंदर के अंदर। ये एकदम सही है, यहाँ पर ये गाड़ी मैंने फेंक दी, चलो अब चुपचाप घर चलता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मेरे छोटे भाई को मारा है। पकड़ो साले को, जाने मत देना यहाँ से इसकी ऐसी तैसी। टेंशन मत लो सुमित, हल्क ने इसे घेर लिया, अब ये यहाँ से जा नहीं सकता। यार ये कितना गंदा, यार इसने अपने छोटे भाई को मार डाला, वो भी सिर्फ चंद गिफ्ट के लिए। सुमित भैया सही में बहुत बेकार है ये, बहुत बड़ा कलयुग आ रहा है सही में यार। अरे समित सैमी बहुत ज्यादा बुरा हुआ यार, भाई बहुत ज्यादा बुरा हुआ यार। मल्टी टीवी मैन तू बहुत ज्यादा गंदा यार, बहुत ज्यादा, और तू कितना ज्यादा ढोंग रचार अपने भाई की मौत के ऊपर। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, तूने सब कुछ जानबूझ के किया है। तो गाइस यहाँ पर मिस्ट्री होती है सोल्व, और यहाँ पर कातिल है मल्टी टीवी मैन, उसका ही बड़ा भाई। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूल भट के आते हो सब्सक्राइब कर देना, तब मिलेंगे इसके नए गेम प्ले में, जब तक ले सायोनारा। We're just getting started.